जैसे ही बाहर आए बादलों ने देखा हम भी घनश्याम, ठाकुर भी घनश्याम, हम भी काले, हमारे माधव भी काले, मेघ गरजने लगे, बादल बरसने लगे, बिजली चमकने लग गई, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शेषनाग भगवान छाता लेकर घरों का यमुना में गए, दर्शन करने के लिए उबल पड़ी। भगवान ने चरण निकाला, यमुना ने मार दिया, प्रभु लेकर के चले। धाको महीना यमुना मैया करे शोर, कृष्ण पक्ष की रात अष्टमी जन्मे नंद किशोर। सोने मुखड़े समय सोने मुखड़े लेने दे नजारा वे सोने मुखड़े राम लगरा अखियां दा होन ते गुजारा सोने मैं नचते इंतजार लेता हूँ, यूं शब कम गुजार लेता हूँ, जब भी जस्ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, मैं नाम तेरा पुकार लेता हूँ, दुख देता है
तुझे अनोखी नहीं सकती तेरे सामने मर जावा कट जावन मेरे दर्द का चारा तू है थोड़े मुखड़े का नंद बाबा बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, आप सभी भक्तों को भी बधाई, ठाकुर के जन्म की लग लग शुभकामना। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं आरती हो और कितने लोग चाहते हैं उत्सव हो? नंद उत्सव है, उत्सव कौन कौन चाहते हैं? अब मंच पे नीचे चले जाओ, बैठो। छोटी माला है, बाबा 80 साल के हैं और मैया नहीं, मैया 80 साल की गुड़िया, बाबा 75 साल के, छोरा भयो ना छोरी। अच्छा, एक दिन की बात है, इनके पुरोहित है शांडिल्य, शांडिल्य बाबा आए तो खूब सेवा करी, ब्राह्मण की करनी भी चाहिए क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे दो मुख है, एक है ब्राह्मण पर दूसरा है अग्नि, इसलिए अग्नि में जब होता है स्वाहा हम बड़े प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मण लप लपाता मालपुआ देसी घी का, खीर के साथ काजू बादाम घोट करके बने, और वो लप लपाता मालपुआ खाकर पंडित जी पेट में हाथ धर के कहते आहा, भगवान कहते हम तभी उतने खुश होते हैं भगवान ने की। अच्छा, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो ऐसा है, पता नहीं वो कौन सा आशीर्वाद दे दे। शांडिल्य बाबा आशीर्वाद तो सबको ऐसे, जय हो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा भगवान ऐसे ही थे। राम जी जन्म लेते ही रोए, ठाकुर जी मतलब ही नहीं है, उन्होंने तो ये विचार किया भैया राम जन्म में रोए थे तो अवध में बधाई बजी थी, कृष्ण जन्म में रोएंगे तो मामा जी का डंडा बजेगा, इसलिए चुपचाप राती में आ गए सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, ये शांडिल्य बाबा प्रसन्न हुए, माँ यशोदा ने प्रणाम किया तो दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिए, शाम को भोजन के बाद पंडित जी देते हैं, माय राम जी सच्चिदानंद भगवान की, जिसका चुन उसका पुण्य, तो आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती भव, नंद बाबा मूछो पर ताओ, सौभाग्यवती तब होगी जब हम राजी खुशी रहेंगे, फिर हाथ उठाया फिर आशीर्वाद दिया पुत्रवती भव। अब बाबा सर पकड़कर बैठ गए, ए बाबा कौन आशीर्वाद दे दियो, या का बुढ़ापे में है जाएगो, अब तक तो भयो ना, अब का छोरा बुढ़ापे में है जाएगो। पंडित जी कहते हैं ब्राह्मणों को आशीर्वाद है तो बुढ़ापे में भी है जाएगा, तुम तो रोज रबड़ी घुटो, हम ब्राह्मण पाठ करेंगे। कौन सा पाठ किया? कहते हैं बाल गोपाल संतान मंत्र का जब ब्राह्मण ने किया, और इधर यशोदा को लगा कि अब बालक होने वाला है तो सुनंदा को बुलाने के लिए नंद बाबा गए, सुनंदा आकर के सेवा किए, और सेवा करते करते अष्टमी की रात्रि गई, रात तो गई तो सुबह हुई, 4 बजे जगने वाली अब तक ना जगी, तो सुनंदा जगाने गई नंदरानी को, तो यशोदा तो आराम से लेटी है और बगल में झीनी सी चादर है उसके नीचे नन्ना सा बालक, सुनंदा भागी भागी गई,
थोड़ी सी चदरियां हटी तो ये मुखमंडल का दर्शन हुआ। देवती बड़ी प्रसन्न है गई। फिर मन में विचार करने लगी, कहीं लाला नहीं लाली है गई तो गड़बड़ है जाएगा, भई अब देखा तो है नहीं छोरा है कि छोरी है, क्योंकि बेटा होगा तो नौ लखो हार मिलेगो और बिटिया हुई कहते लड्डू भी बटने वालों नहीं है, बेटी के होने पर कोई लड्डू भी नहीं बांटते, और कहीं बेटा हो गया तो पूरा उत्सव होगा महाराज, कई जगह तो बकरे भी करते हैं खुशी खुशी सचिदानंद भगवान की। तो चतरिया नहीं हटी, भगवान से प्रार्थना करी, देखिए बोलो, तो भगवान से प्रार्थना कर रही, सुनंदा कह रही है हरि शरणम हे नारायण भगवान, एक बार लाला है जाए बाद में चाहे लाली है जाए, एक बार बेटा हो जाए बाद में बिटिया हो जाए कोई बात नहीं, हरि शरणम का उच्चारण हुआ, जेनी सी चदर हटी, नंद नंदन का दर्शन हुआ, सुनंदा जोरते चिल्लाई है गया, खुशी खुशी में चिल्ला पड़ी, ब्रजवासी कहे कहा भयो, सुनंदा कहे चुप कछु ना भयो, बताओ बाबा कहाँ है, तो नंद बाबा तो यमुना में डुबकी लगाकर गौशाला में मंत्र जप रहे, माला लेकर के मंत्र में माला में मंत्र सटका रहे, और कौन सा मंत्र कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक मंत्र जपते जपते छोरा की याद आ गई, तो मंत्र तो सबरो भूल गए परीक्षित, बाबा तो माला पर एक ही मंत्र सटका रहे का कि अभय तो भयो नाई आगे पतो नाई, पिचत्तर को है गयो अभय तो भयो नाई आगे भी पतो नाई, तो बाबा मंत्र तो भूल गए अब तो यही मंत्र रखो, सुनंदा कहे भैया है गयो, अच्छा मैंने कहा भैया पहले बताओ कहा मिलेगो, तो तिजोरी की चाबी धोती में बंधी है, कुछ लोग जनेऊ में भी बांधते, भाई चलो जनेऊ है और नहीं तो चाबी टांगने के काम ही आ जाए, सच्चिदानंद भगवान की। तो धोती से चाबी निकाली और निकाल करके दी, बहन जो कछु समझ आवे सब रोते रो सब ले जा, सुनंदा गदगद हो गई, कहने लगी नंद के छोरा भयो भय नंद के लाला की, अब तो बाबा को खुशी को पारावार नहीं ठिकाना नहीं, 24 डुबकी लगाई, कितनी लगाई जमुना में 24, सुंदर श्रृंगार किया ब्रजवासी के बाबा या सबरो कहा पहन लियो तेने, बाबा के तू बता कहा पहनो है, ब्रजवासियों ने चमचमाती रेशमी धोती निकाली, बगल बंदी बगल से बंधने वालो चमचमा तो रेशमी कुर्ता निकालो, चमचमाती पगड़ी बांध दे, थपक थवा चंदन माथे पर पोत दियो, मूछन पर इत्र लगा दियो, मोड़े में पान दबा दियो, दर्पण लेके खड़ो है गयो। तो बाबा कभी तो धोती संवारे पर कभी अपनी पगड़ी संवारे, बाबा के कैसो लग रहे हो, ब्रजवासी के एकदम दूल्हा लग रहे हो बाबा, भाई तेरो विवाह भयो है ऐसो एकदम पक्को एक नंबर को दूल्हा। तो बाबा अति प्रसन्न हुए और जाकर के सुंदर श्रृंगार हुआ, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया, आनो भद्रह से प्रारंभ हुआ और ध्योना शांति तक खूब आनंद के साथ स्वस्ति वाचन हुआ, पुण्य वाचन हुआ, तत्पश्चात पूजन प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का 10वां स्कंद 5वां अध्याय पहला श्लोक से 18 श्लोक है ये नंद उत्सव, भागवत के 18,000 श्लोक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो 18 श्लोक में ही 18,000 श्लोक का आनंद भर गया, ऐसे सुंदर 18,000 श्लोक है, 18 ही श्लोक है उत्सव के। तो बाबा कहें कि नंदस्तात्मजम उत्पन्ने जातो हलाद महम्मना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नानांत शुचि अलंकृता। बाबा स्नान करके अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण करके सुंदर पवित्र अवस्था में प्रकट हो गए, नंदस्त आत्मजम उत्पन्ने जातो, बाबा को आह्लाद हुआ आनंद अनुभूति हुई, इधर सुंदर सुंदर श्रृंगार बाबा ने किया। अच्छा पंडित जी कहते हैं भगवान शालिग्राम का पूजन हुआ, दूध चढ़ाओ उठाकर शक्कर चढ़ाई दे, बाबा दूध की कह रहे हैं शक्कर दी ना, चलो चलो शहद चढ़ाओ, बाबा ने उठा करके दही चढ़ा दी, पंडित जी नाराज हुए, पंडित जी के बाबा तेरो ध्यान किधर है, नंद बाबा कहते हैं मारो ध्यान तो जोरो छोरा में, चलो अब कथा में किसी का ध्यान नहीं है, छोरा में है नहीं तो फिर भंडारे में है, आरती हो सच्चिदानंद भगवान की। तो पंडित जी कहते हैं तुम संकल्प कर दो बची कुची पूजा हम कर लेंगे, तो